हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम सीएसएस में बैकग्राउंड इमेज किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ सीएसएस बैकग्राउंड इमेज अपने वेब ब्राउजर को प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरी पहले की प्रीवियस वीडियोज़ रिलेटेड टू सीएसएस नहीं देखी है तो प्लीज़ यू नीड टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हो सीएसएस से रिलेटेड। अगर आपको HTML से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट HTML से रिलेटेड देखनी है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके थ्रू आप सॉल्व आउट कर सकते हो। नाउ इस वीडियो में मैं डेफिनेटली बताऊंगी बैकग्राउंड इमेज किस तरह से यूज़ करते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं बैकग्राउंड इमेज के, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने बता रखा है कि हम मोस्टली CSS में काम करते हैं हेड में, HTML में मोस्टली हम काम करते थे बॉडी में, राइट। तो हेड में काम करेंगे, हमें ये भी पता है कि हेड में स्टाइल टैग के थ्रू हम CSS को ऐड करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टाइल टैग क्लोज भी होना चाहिए, राइट। इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो होगा रिलेटेड टू CSS, फाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड देन स्टाइल, काफ़ी तरीके के स्टाइल शीट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं हम CSS को CSS स्टाइल शीट को यूज़ करें। तो किस तरह का टाइप है आपका, हम चाहते हैं CSS, राइट। तो टेक्स्ट /CSS इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम CSS लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इन HTML कोड, राइट। HTML फाइल में हम CSS लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि इसके बिना ही हमने CSS का कोड डाल दिया है तो वो वर्क नहीं करेगा। ब्राउज़र को पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फाइल है HTML VG इमेज नेम से, वो HTML की फाइल है, राइट। लेकिन उसमें CSS भी इंक्लूड है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट हम ये पता करते हैं, आई मीन टू से ब्राउजर ये पता करता है कि CSS का स्टेटमेंट है इसमें, CSS के कोड्स हैं, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, ओके। नाउ बैकग्राउंड इमेज किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम प्रोवाइड करवाते हैं। स्टाइल के अंदर ही हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, देखो हम सेव कर लेते हैं इसको, एंड देन रन इन क्रोम, लॉन्च इन क्रोम। इस वक्त कुछ भी नहीं है इसमें, इसका मतलब क्या है कि हमें कहाँ पे इमेज प्रोवाइड करवानी है, अपनी बॉडी में, राइट। बॉडी क्या होता है, ये पूरा जो हमें जहाँ पे दिखती है सब चीज़ें वो हमारा बॉडी होता है। ये सेक्शन जो है वाइट वाला, ये बॉडी होती है, बॉडी ऑफ दी पेज, वेबसाइट पेज, राइट। तो इसमें हमें प्रोवाइड करवाना है, तो हम चाहते हैं बॉडी, राइट। बॉडी में ही तो प्रोवाइड करवाना है इमेज, तो बॉडी, एंड देन इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमें समझ आए बॉडी, एंड देन हम क्या करते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड क्या इमेज, राइट। एक साथ नहीं करते हैं जिससे पता तो चले कि दो वर्ड हैं, तो बैकग्राउंड डैश इमेज, राइट, सिंपल। देन इसमें URL भी प्रोवाइड करवाएंगे, ये नहीं बैकग्राउंड इमेज एंड देन कुछ भी प्रोवाइड करवा दिया .jpg, इस तरह से नहीं करते हैं। बैकग्राउंड इमेज एंड देन उसकी URL भी प्रोवाइड करवाएंगे, URL आई मीन टू से एड्रेस कह सकते हैं। देन सिंपली ब्रैकेट एंड देन क्या होगा उस वाली पर्टिकुलर फाइल का नेम क्या है उसको रखना है, और मेक श्योर जिस फोल्डर में हमारा bg image.html हो उसी फोल्डर में हमारी वो इमेज हो। तो देखो bg image.html और ये रही मेरी इमेज, राइट, एक ही फोल्डर में है ये। देन क्या करना है इसमें, उसका नेम रखना है। नेम क्या है उसका, नेम है lmelogo, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, बाई चांस कुछ गलत हो जाए, राइट, यहाँ से कर लेते हैं। देन नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी नोटपैड यूज़ कर सकते हो, राइट, लेकिन मैंने नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया है बिकॉज ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कंपेरिजन टू नोटपैड .jpg है ये। देन इसको इस तरह से कर देते हैं, एंड देन यू कैन सी कॉलन भी यूज़ करेंगे, एंड इसको कर देंगे क्लोज्ड। इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, सेव करेंगे। गो हियर, वेट, यू कैन सी ये पूरे के पूरे ब्राउज़र में आ गया है मेरी ये इमेज, राइट। इसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं इस इमेज को, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे हम इसको, वो जो हमारी इमेज है वो सिर्फ एक बन के आई है, तो हम उसको किस तरह से रिपीट भी कर सकते हैं, राइट, ओके। नाउ किस तरह से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज का, तो हम यहाँ पे इसमें अंदर ही जाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड डैश साइज, राइट, साइज़ चेंज करना है तो बैकग्राउंड साइज़, एंड देन यहाँ पे साइज कर सकते हैं 10 pixel एंड वाइड एंड इतना पिक्सल हाइट,
इसको सेमीकोलन सेव एंड देन यू कैन सी इस तरह से आ जाता है, राइट। मैंने स्क्रीन काफ़ी बड़ी नहीं कर रखी है, लेकिन इससे हमें आइडिया लग रहा है कि ऐसे पूरी स्क्रीन पे है। मैंने इसलिए कर रखा है जिससे हमें ये कोड ढंग से शो हो, राइट। तो हम इसको किस तरह से सही करेंगे, देखो हम किस तरह से कर सकते हैं इसको। इसको हम लिख सकते हैं 100 एंड देन वो भी 100 सेव। अब देखते हैं किस तरह से आता है, इस तरह से हमें शो हो रहा है, राइट। इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही था। एक क्यों था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था तो वो रिपीट नहीं हो पाया। हमने इसका साइज चेंज कर दिया, देन ये रिपीट हो रहा है, फाइन। हम चाहते हैं रिपीट ना हो, तो रिपीट ना हो के लिए क्या करना है, देखो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि रिपीट ना हो तो क्या करना है। एंड देन जैसे हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर कर दिया एंड देन साइज भी है तो हमें पता ही है किस तरह से चेंज होता है। देन रिपीट ना हो ये बताऊंगी मैं, और पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे रिपीट हो, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस में रिपीट हो या एक्स एक्सिस में रिपीट हो, या पर्टिकुलर इस जगह पे ही हमारा लोगो हो, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, राइट। और इस तरह इस जगह पे लोगो होने के बाद सिंपली सिर्फ ये इसी जगह पे है लोगो, और किस तरह से इसको इसी जगह पे साइज भी चेंज कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय।